हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू। यू आर वाचिंग के कॉमर्स एकेडमी विद मी कुणाल सिंगल। क्लास 12th अकाउंटेंसी के लेक्चर्स में आपके लिए लेके आया हूँ सीबीएसई टर्म 2 एग्जामिनेशन से रिलेटेड ये क्लासेस हैं। इसमें हम अकाउंटेंसी क्लास 12 टर्म 2 का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाले हैं। हमने ये सीरीज कल स्टार्ट किया था। ये स्टार क्लासेस हैं यूट्यूब पे के कॉमर्स एकेडमी की तरफ से, जो कम्प्लीटली फ्री हैं। ये हमारा सेकंड लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर, कल का लेक्चर नहीं देखा है तो वो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो उसे भी आप देखिए। और आगे बढ़ने से पहले कुछ जनरल बातें कर लेते हैं, उसके बाद हम हमारा जो टॉपिक हमने कल पढ़ा था उसको कंटिन्यू रखेंगे। क्लास 12th टर्म 2 के सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो आप सबको ध्यान है, इन अकाउंटेंसी वी आर हैविंग दीज सिक्स चैप्टर्स, दैट इज अकाउंटिंग फॉर नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इशू एंड रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कंपेरेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो एनालिसिस या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट। टोटल 40 मार्क्स का इसका वेटेज रहेगा। अप्रैल 2022 में एग्जामिनेशन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एग्जाम डिस्क्रिप्टिव भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशंस इन द अप्रैल मंथ। अप्रैल में कोरोना की, ओमिक्रॉन वायरस की क्या पोजीशन रहती है, उस पर डिपेंड करेगा कि एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव, राइट। हमें प्रिपरेशन दोनों तरह के मोड की कर लेनी है, हमें किसी भी तरह की कमी अपनी प्रिपरेशन में नहीं रखनी है। हमने सबसे पहला नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर स्टार्ट किया है, जिसमें हमने कल की क्लास में क्या पढ़ा था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने से रिलेटेड हमने कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया था। ये स्टार क्लासेस हैं। इसके अलावा जूम एप्लीकेशन पे मैं प्रीमियम क्लासेस भी अवेलेबल करवाता हूँ। हमारी पूरी टीम है, अकाउंटेंसी के साथ साथ हम बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स की क्लासेस भी अवेलेबल करवाते हैं। प्रीमियम क्लासेस को अगर आप ज्वाइन करते हैं तो उसके कुछ स्पेशल बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, जैसे कि डेली लाइव क्लासेस ऑन द जूम एप्लीकेशन, देन रिकॉर्डेड लेक्चर्स का अनलिमिटेड एक्सेस आपको मिलेगा। आप एक लेक्चर को चाहे जितनी बार देख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दो बार चार बार देखा और उसके बाद में आप उसको नहीं देख पाएंगे। सो देर विल बी एन अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द रिकॉर्डेड क्लासेस। देन इंडिविजुअल पर्सनलाइज्ड मेंटोरिंग विल बी देयर। हर बच्चे का इंडिविजुअल, जैसा उसके कैलिबर है, जैसी उसकी रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से टॉपिक्स को समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। डेली क्लासेस के पीडीएफ्स आपको नोट्स के फॉर्म में मिल जाएंगे। सैंपल पेपर्स एंड मॉडल पेपर्स को प्रैक्टिस किए जाएंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करवाया जाएगा एंड इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग सेशंस ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज इसमें होगा। जो प्रीमियम क्लासेस है उसमें वीकली टेस्ट ऑर्गेनाइज होता है और एवरी सैटरडे संडे को इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी रहती हैं। चाहे जो भी रेफरेंस बुक आपकी स्कूल ने रेकमेंड कर रखी है, इट मे बी द टीएस ग्रेवल्स अकाउंटेंसी और इट मे बी बाय द एपीसी पब्लिकेशन डीके गोयल या फिर डॉक्टर एस सी शर्मा की एबीडी पब्लिकेशन की हो या कोई भी एनी अदर जो भी अकाउंटेंसी की रेफरेंस बुक आपको रेकमेंड कर रखी है आपकी स्कूल की तरफ से, वो हर बुक आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी प्रीमियम क्लासेस में। और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो ऑन द अटमोस्ट प्रायोरिटी पे लिए जाते हैं, राइट। इसके अलावा कुछ और बेनिफिट्स हमें प्रीमियम क्लासेस के लिए के और भी मिलते हैं। उनके लिए आपको करना यह है कि टेलीग्राम के चैनल आप ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम चैनल पे आपको पूरी डिटेल इसकी मिलेगी कि कैसे आप प्रीमियम क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। ये एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है अबाउट मी, दैट इज कुणाल सिंगल, जो आपकी अकाउंटेंसी की क्लासेस लेते हैं, इकोनॉमिक्स की क्लासेस में लेता हूँ, राइट। अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं, सो दीज आर आवर सोशल मीडिया हैंडल्स। यूट्यूब पे अभी आप देख ही रहे हैं के कॉमर्स एकेडमी का चैनल है, टेलीग्राम पे भी के कॉमर्स एकेडमी के नाम से चैनल है। इफ यू वॉन्ट टू मेल मी, यू कैन मेल मी ऑन kunalsingal85@gmail.com। इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं kunalsingal85 पे और फेसबुक पेज आप हमारा फॉलो कर सकते हैं के कॉमर्स एकेडमी का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए, क्लास 12th के, क्योंकि आप लोग हैं तो आपको ध्यान है
आपका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होता है अकाउंटेंसी में, बिजनेस स्टडीज में, इकोनॉमिक्स में। और लास्ट ईयर मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया था मॉक वाइवास कंडक्ट करने का, ऑनलाइन मॉक वाइवा मैं कंडक्ट करता हूँ अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडीज में सिलेक्टेड स्टूडेंट्स के, ऑब्वियसली नॉट फॉर एवरीवन। लास्ट ईयर भी आउट ऑफ 250 एप्लीकेशंस आई हैव चोजन सम ऑफ 50 स्टूडेंट्स जिनके मॉक वाइवास कंडक्ट किए गए थे। तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो इन मॉक वाइवास को अटेंड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम, आप मुझे मेल कर सकते हैं kunalsingmal85@gmail.com पे, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल शेड्यूल एंड कंडक्ट द मॉक वाइवास फॉर यू ऑल। मेरे चैनल पे आपको अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट के लिए, बिजनेस स्टडीज के प्रोजेक्ट से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स के प्रोजेक्ट से रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगे, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे प्रोजेक्ट बनाने के लिए। फर्दर जो चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था, फाइनली उसके ऊपर आते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, जिसमें सबसे पहले ये जो है ना, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन, कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, एक्सपेंस अकाउंट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, इससे शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 3 to 4 मार्क्स के, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको इसमें मिलेंगे। और इसके अलावा प्रिपरेशन ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इसमें 6 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इससे रिलेटेड मिलेगा। तो ये जो कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन है, इसे हमने कल डिटेल में अच्छी तरह से समझा था, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी मैंने आपको प्रैक्टिस करवाए थे। आज की क्लास में हम एक तो कैलकुलेशन ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स को कवर करेंगे, और फंड बेस्ड अकाउंटिंग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, फंड बेस्ड अकाउंटिंग, इसे हम कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स बिगिन विद इट। एक बात, जब आप ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, इस समय जब आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कॉपी और पेन जरूर साथ में लेके बैठा करें। जो भी कुछ नोट्स मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ, उन्हें अगर आप नोट डाउन करते जाते हैं, दैट विल बी रियली यूजफुल फॉर यू, आपके लिए आगे दोबारा आप जब उसको पढ़ते हैं, रिवाइज करते हैं, बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला टॉपिक, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। और द कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। आगे बढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि कंज्यूमेबल स्टोर्स होते क्या हैं। जैसे कि आपको ध्यान है कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स क्लब्स, ये सब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कवर होते हैं। तो एक हॉस्पिटल है, तो हॉस्पिटल में मेडिसिन कंज्यूमेबल स्टोर्स में आता है। बिगिनिंग ऑफ द सेशन में, बिगिनिंग ऑफ द ईयर में उस हॉस्पिटल के पास कितना मेडिसिन का स्टॉक था, और एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में कितना मेडिसिन का स्टॉक है, पूरे साल में कितनी मेडिसिन कंज्यूम हुई, कितने उसमें से सेल हो गया, ये सब आपका कंज्यूमेबल स्टोर्स में आता है। कोई स्पोर्ट्स क्लब है तो स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल स्टार्टिंग में कितना था, एट द एंड कितना रह गया, कितना कुछ स्पोर्ट्स मटेरियल में कुछ रैकेट, बैट, बॉल वगैरह टूट गए, खो गए, खराब हो गए, तो वो सब कितना कंजम्पशन उनका हुआ। सो कंज्यूमेबल स्टोर्स को हम कैलकुलेट करते हैं। ये जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड है, दिस कॉस्ट ऑफ मटेरियल विच इज कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड इज कंसिडर्ड टू बी अ रेवेन्यू एक्सपेंस, because it is considered as a revenue expenditure, तो हम इसे debit कर देते हैं income and expenditure account में, debited to income and expenditure account। I hope आप लोगों को याद है, in the financial statement of a non-profit organization we prepare three statements named as receipts and payment account, income and expenditure account and balance sheet। जो revenue nature के items है, it may be the revenue receipts or the revenue expenditures, ये income and expenditure account में जाते हैं। और जो capital nature के items है, like capital receipts and capital expenditures, ये balance sheet में जाते हैं। तो cost of material consumed क्या है, ये revenue nature का expenditure है,
जो कि एवरी ईयर अकर होने वाला है, और इसे हम डेबिट करेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। इसके अलावा अब आप एक फॉर्मूला याद कीजिए, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ऑब्वियसली नेट परचेजेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इतना सिंपल और इजी फॉर्मूला है कि आपके पास में उस पर्टिकुलर मटेरियल का ओपनिंग स्टॉक जो था उसमें आप परचेज आपने जो किया वो ऐड कर दो, और क्लोजिंग में आपके पास जो रह गया यानी कि बाकी कहा गया वो सारा का सारा हमने मटेरियल कंज्यूम कर लिया। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बिगिनिंग में 2,000 रुपीज का स्टॉक था, हमने 10,000 रुपीज का और परचेज कर लिया, तो टोटल कितना हो गया 12,000 का हो गया, और 500 रुपीज का आपका क्लोजिंग स्टॉक रह गया आपके पास। इसका मतलब 11,500 वो क्या हुआ, वो आपने मटेरियल कंज्यूम कर लिया। सो दिस इज अ शॉर्ट एंड स्वीट फॉर्मूला फॉर द कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझनी है कि आप परचेजेस कौन सी वाली लेंगे, हम कैश परचेजेस या फिर क्रेडिट परचेजेस। तो हम यहाँ पे दोनों तरह की परचेजेस को लेंगे, कैश परचेजेस भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा और क्रेडिट परचेजेस भी इसमें इंक्लूड किया जाएगा। चाहे आपने ये जो मटेरियल था कैश में परचेज किया था या क्रेडिट में परचेज किया था, दोनों तरह की परचेजेस आपको लेनी है, राइट। जो आपने कैश में परचेज किया है ये अमाउंट आपको कहाँ से मिलेगा, द वैल्यू ऑफ कैश परचेजेस आपको मिलेगी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का प्रिपरेशन भी हम सीखेंगे, फिलहाल तो मैं ये शॉर्ट क्वेश्चंस जो आते हैं 3 to 4 marks के वो आपको बता रहा हूँ। तो आपने कितना गुड्स कैश में परचेज किया ये बैलेंस आपको मिलेगा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाने से, राइट। और कितना गुड्स आपने क्रेडिट में परचेज किया इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए आपको क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना होगा। हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे, उससे हमें पता चलेगा व्हाट इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस, राइट। ओपनिंग स्टॉक आपको मिलेगा कहां से, ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू भी आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू आपको ओपनिंग बैलेंस शीट से मिल सकता है, और क्लोजिंग स्टॉक के जो भी वैल्यू है वो आपकी क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिखी जाएगी, अगर क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने के लिए डिमांड की जाती है तो। अब फाइनली हम क्या शुरू करेंगे, हम क्रेडिटर्स अकाउंट का प्रिपरेशन देखेंगे कि क्रेडिटर्स अकाउंट कैसे बनता है और उसमें क्या क्या आइटम्स लिखी जाती हैं, राइट। कल आपको याद है सब्सक्रिप्शन अकाउंट जब मैंने आपको बनाना सिखाया था, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में टोटल हमने 6 आइटम्स को देखा था, उन 6 में से कोई भी 5 आइटम्स आपको गिवन रहेंगी और बाकी के 6th आइटम आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, ये मैंने आपको सिखाया था। बिल्कुल सेम टू सेम प्रोसीजर आपको क्रेडिटर्स अकाउंट के लिए भी फॉलो करना है, बिल्कुल कोई चीज नहीं है। क्रेडिटर्स अकाउंट में भी आपको टोटल 6 आइटम्स याद रखनी है, 6 हेडिंग्स याद रखनी है, और एक जो आपका फाइनली क्रेडिट परचेज का अमाउंट वो बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। तो देखिए ये हमने बनाया है क्रेडिटर्स अकाउंट, और देखिए अगर आपको ये लगता है कि इन क्लासेस से आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो आपको एक छोटा सा काम करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ में शेयर करना है जिससे उनका भी बेनिफिट हो सके। दिस इज जस्ट अ सोशल कॉज, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। Particulars, amount, particulars, amount, simple से ledger account का format है। अब देखिए simple से जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको आप recall करें अपने mind में। Creditor, creditor का nature क्या है, creditor is a liability, हम सब जानते हैं that creditor is a liability,
और क्योंकि ये लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, आपको ये भी ध्यान है। दिस इज द डेबिट साइड, दिस इज द क्रेडिट साइड। लाइबिलिटीज का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ये जो क्रेडिटर है, क्रेडिटर का बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्यों हमने क्रेडिट साइड पे ओपन किया, ब्रॉट डाउन बैलेंस हमने क्रेडिट साइड पे क्यों लिखा, क्योंकि क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस, इसलिए हमने इसको ओपन किया क्रेडिट साइड पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस जो भी क्रेडिटर का आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। और जब आपने इसको ओपन क्रेडिट में किया है तो इसको आप क्लोज करेंगे डेबिट साइड पर टू बैलेंस क्रेडिट डाउन। सिंपल सा एक प्रोसीजर है ये हमारा। लाइबिलिटीज जितनी भी होती हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो ओपन करेंगे क्रेडिट में, क्लोज करेंगे डेबिट में, राइट। अब सपोज करें आपने अपने क्रेडिटर्स को, आपने अपने सप्लायर्स को कुछ एडवांस में अमाउंट पे करके रखा है। यू हैव पेड सम अमाउंट टू योर सप्लायर्स ऑफ गुड्स एंड स्टोर्स इन एडवांस। तो जब आपने किसी को एडवांस में पे करके रखा है तो ये तो आपका एसेट हो गया। एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स हमारा एसेट है, और एसेट है तो कौन सा बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस होगा। एसेट्स का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, आपको ध्यान ही है। एसेट्स ऑलवेज हैव अ डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटीज ऑलवेज हैव अ क्रेडिट बैलेंस। तो एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स, हमने एडवांस में पे करके रखा है तो ये हमारा एसेट है, एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस है तो ओपन करेंगे डेबिट में और क्लोज करेंगे क्रेडिट में। ओपन करेंगे डेबिट में टू एडवांस पेड ब्रॉट डाउन बाय एडवांस पेड क्रेडिट डाउन, ठीक है। एडवांस पेड टू क्रेडिटर्स हमारा एसेट है, इसलिए हमने ओपन किया डेबिट में, क्लोज किया क्रेडिट में। अब एक सिंपल सा मैं ट्रांजेक्शन बोल रहा हूं, आपको अपने माइंड में सोच के और उसकी जनरल एंट्री बतानी है कि क्या होगी। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, कैश पेड टू क्रेडिटर्स की जनरल एंट्री होगी क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सिंपल सी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। और इस जनरल एंट्री की, ये जो जनरल एंट्री आप देख रहे हैं क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, इस जनरल एंट्री की अगर मैं लेजर पोस्टिंग करना चाहूं कहां पर, क्रेडिटर्स अकाउंट में, तो क्या लेजर पोस्टिंग हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे टू कैश अकाउंट, राइट। इसके अलावा आप जब कभी भी किसी सप्लायर से गुड्स परचेज करेंगे, क्रेडिट पर गुड्स अगर परचेज करते हैं तो उसकी क्या जनरल एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये होनी सिंपल सी जनरल एंट्री। परचेज, अगर आपने परचेज किया है क्रेडिट पर परचेज किया तो क्या जनरल एंट्री होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। और इस जनरल एंट्री की जब आप लेजर पोस्टिंग करेंगे तो आप क्रेडिटर्स अकाउंट में क्या लिखेंगे, बाय परचेजेस, सिंपल सा लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट में हम लिखेंगे बाय परचेजेस अकाउंट, दिस इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस, और ये आपका एक्चुअली आएगा बैलेंसिंग फिगर, अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेजेस, दिस इज द अमाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, और यही अमाउंट आपका यहाँ आप क्रेडिट परचेजेस में लेंगे। कैश परचेज का अमाउंट तो आपको कहां से मिलेगा, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट से, और क्रेडिट परचेज का अमाउंट आपको मिलेगा क्रेडिटर्स अकाउंट बना के। क्रेडिटर्स अकाउंट में ध्यान क्या रखना है, क्रेडिटर जो कि एक लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी है तो ओपन करेंगे डेबिट में, क्लोज करेंगे क्रेडिट में। अगर हमने क्रेडिटर को एडवांस में पे करके रखा है तो एडवांस पेड टू क्रेडिटर एसेट है, तो ओपन करेंगे डेबिट में, क्लोज करेंगे क्रेडिट में। जो अमाउंट हमने पेमेंट किया क्रेडिटर्स को, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, जो पेमेंट किया वो हम यहाँ पे कैश में लिख देंगे। कितना अमाउंट पे किया आपने अपने क्रेडिटर्स को, कितना अमाउंट पे किया, ये आपको कैसे पता चलेगा, आपको रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में पेमेंट साइड पे लिखा हुआ मिलेगा। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में
आपको लिखा हुआ मिलेगा कितना अमाउंट आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया। तो टू कैश अकाउंट, दिस इज द अमाउंट पेड इन कैश, राइट। और फाइनली बाय परचेजेस क्या है, गुड्स आपने क्रेडिट में जो परचेज किया, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आएगा। दिस अमाउंट विल बी यूज्ड एज द अमाउंट फॉर द क्रेडिट परचेजेस, यहाँ पे क्रेडिट परचेज का अमाउंट हो जाएगा, कैश परचेज का अमाउंट हो जाएगा, दोनों मिला के आपका टोटल परचेज आ जाएगा। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक आप करेंगे तो फाइनली आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड। और जैसे ही आपको ये पता चल जाएगा कि जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना है, द वैल्यू ऑफ द कंज्यूमेबल स्टोर्स दैट हैव बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड कितना है, तो आप उसे डेबिट कर देंगे टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कल हमने सब्सक्रिप्शंस के बारे में पढ़ा था, सब्सक्रिप्शन क्या था, सब्सक्रिप्शन इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, सब्सक्रिप्शन इज अ मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट किया था, रेवेन्यू एंड क्रेडिट किया था। एंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज अ कॉस्ट, और क्योंकि एक कॉस्ट है तो इसे हम डेबिट करेंगे, डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां तक अगर माइंड में कोई कंफ्यूजन कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अदरवाइज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस इस टॉपिक से रिलेटेड कर लेते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, 3 to 4 मार्क्स के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में इस टॉपिक के मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस इसके मिलते हैं 3 से 4 नंबर वाले, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो लिखिए। तो शुरू करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन से। हमारे पास में ये इलस्ट्रेशन में 25 स्क्रीन पे है। इसने कहा है कंप्यूट द क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट्स ऑन 1st April 2019, 1st April का बैलेंस है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक हो गया हमारा। आफ्टर दैट स्टॉक ऑफ क्रिकेट इक्विपमेंट्स ऑन 31st March 2020, 31st March 2020 का मतलब ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा। क्रिकेट इक्विपमेंट्स परचेज्ड, दिस इज द अमाउंट ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, ये हमें गिवन है। इसके अलावा क्वेश्चन में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि ओपनिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, एडवांस पेड वगैरह के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सबसे सिंपल फॉर्मूला हम इसमें लगाएंगे, कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल consumed equals to opening stock plus purchases minus closing stock. Simple easy formula. Opening stock हमारे पास में है ₹10,000 minus purchases का amount हमें दे रखा है question में ₹41,500 का, माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ₹15,000, हमारे पास आया 51,500 माइनस 15,000, सो वी लेफ्ट विद 500, देन 11 माइनस 5 6 एंड 4 माइनस 1 3, 36,500 इज द कॉस्ट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड और द क्रिकेट मटेरियल कंज्यूम्ड। दिस अमाउंट ऑफ 36,500 शैल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पे ये अमाउंट 36,500 शो किया जाएगा, राइट। इसी के जैसे कुछ और क्वेश्चंस और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम एक बार। इलस्ट्रेशन नंबर 26, ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम स्टेशनरी का कितना अमाउंट डेबिट करेंगे, सिंपली स्टेशनरी इज अ कंज्यूमेबल स्टोर, स्कूल्स होती हैं, कॉलेजेस होती हैं, उनके ऑफिसेज में स्टेशनरी
पेन पेंसिल दैट्स वन पेपर्स रिम्स एंड रजिस्टर्स बहुत सारे स्टेशनरी मटेरियल यूज होता है. सो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ स्टेशनरी मटेरियल कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग पीरियड, वो हमें कैलकुलेट करना है कितना अमाउंट उसमें डेबिट किया जाएगा, कहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट डेबिट किया जाएगा. अकाउंट ऑफ द गुड हेल्थ स्पोर्ट्स क्लब, ये एक स्पोर्ट्स क्लब का अकाउंट बनाए जा रहे हैं. फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 को एंड होने वाले अकाउंटिंग पीरियड फाइनेंशियल ईयर के, ये हमें बनाना है. हमें दे रखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, क्वेश्चन में स्टॉक ऑफ स्टेशनरी गिवन है कितना, ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का 8,000 और 31 मार्च का 6,000, यानी कि दिस इज द ओपनिंग स्टॉक एंड दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, क्रेडिटर्स का भी हमें ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस दोनों दे रखे हैं. ओपनिंग क्रेडिटर्स 9,000, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 11,000. फर्दर हमें दिया है स्टेशनरी परचेज्ड, यानी करंट ईयर के परचेजेस भी हमें गिवन है. स्टेशनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2019 इसी करंट अकाउंटिंग पीरियड में ₹47,000. अब एक बार सोच के देखिए, जब क्वेश्चन में आपको ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक और परचेजेस तीनों वैल्यूज दे रखी हैं, तो ये जो ओपनिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स है, इसका कोई यूज करने की जरूरत ही नहीं है. ये हमने फॉर्मूला लिखा, स्टेशनरी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू 8,000 ये दे रखी है हमें यहाँ पे, प्लस परचेजेस 47,000 ये दे रखा है हमें यहाँ पे, माइनस क्लोजिंग स्टॉक 6,000 इक्वल्स टू ₹49,000. दिस इज द अमाउंट टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. तो जरूरी नहीं है कि आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी हो सभी का यूज हो. कुछ इंफॉर्मेशन कभी कभी हमें कंफ्यूज करने के लिए भी दे दी जाती है, जैसे कि इस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स ऑफ स्टेशनरी के जो बैलेंस दे रखे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, उनका कोई यूज ही नहीं होना था, बट दे रखे हैं कंफ्यूज करने के लिए. तो ये था हमारा कंज्यूमेबल स्टोर कैलकुलेट करने का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, छोटा सा फॉर्मूला है, राइट. एक क्वेश्चन और हम करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर 27A, इसी का सेकेंड पार्ट है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड, अगेन वही चीज पूछी जा रही है, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ कैपिटल स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019. 31 मार्च 2019 को एंड होने वाले अकाउंटिंग ईयर के लिए स्पोर्ट्स मटेरियल जो डेबिट किया जाएगा, यानी कितना स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना है. फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को, क्या फॉर्मूला होता है, स्पोर्ट्स मटेरियल कंज्यूम्ड इक्वल्स टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस, ऑब्वियसली नेट परचेजेस, माइनस क्लोजिंग स्टॉक. और ये जो परचेजेस, इसमें कौन सी वाली परचेज आएगी, कैश परचेज या क्रेडिट परचेजेस, इसमें दोनों तरह की परचेज होगी, कैश परचेज भी इंक्लूड होगा और क्रेडिट परचेज भी इंक्लूड होगा. और क्रेडिट परचेज का अमाउंट अगर हमें जरूरत हुई तो कैलकुलेट करने के लिए हम क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं, आपको ध्यान, क्रेडिटर्स अकाउंट बनाएंगे. तो देखें क्या क्या इंफॉर्मेशन दिए क्वेश्चन में. क्वेश्चन में दिया है स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, हमें ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे रखे हैं. फर्दर हमें दिया क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स के वैल्यू और क्लोजिंग क्रेडिटर्स की वैल्यू भी दे रखी है. फर्दर हमें क्या दिया, अमाउंट पेड फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर वॉज ₹19,000. क्वेश्चन में हमें स्पोर्ट्स मटेरियल के लिए कितना अमाउंट हमने पे किया वो तो दिया है, परचेजेस नहीं दिया है. परचेजेस हमें क्वेश्चन में जरूरत, सॉरी इसमें फॉर्मूले में जरूरत है, परचेजेस का अमाउंट इसने नहीं दिया है. तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस बार हमें बनाना पड़ेगा क्रेडिटर्स अकाउंट. यहां बना लेते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट. क्रेडिटर्स अकाउंट में मैंने आपको टोटल 6 आइटम्स बताई थी, मैं थोड़ा रफली बना रहा हूं. एग्जाम में भी आपको क्रेडिटर्स अकाउंट तो एज अ वर्किंग नोट बना सकते हैं, राइट.
तो रफली मैं इसको बना रहा हूँ और उन 6 आइटम्स को लिख के करना क्या है, हमें अमाउंट्स फिल कर देना है बस, और परचेज का अमाउंट हमारे पास बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना दे रखा है क्वेश्चन में आपको, ₹2000। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स टू बैलेंस कैरिड डाउन, कितना दे रखा है आपको, ₹2600। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एडवांस पेड टू एडवांस पेड, ओपनिंग के वो भी आपको नहीं दे रखे हैं, और बाय एडवांस पेड क्लोजिंग के वो भी आपको नहीं दे रखे हैं, तो नील जीरो। आपने पेमेंट कितना किया टू कैश अकाउंट, क्वेश्चन में दे रखा है आपको कितना, ₹19,000 लिख दीजिए, 19,000 का हमने पेमेंट किया। फाइनली बाय परचेजेस, ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, बाय परचेज अकाउंट, दिस विल बी आर बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। तो 21,600 हमारा डेबिट का टोटल हो रहा है, और इस 21,600 में से हमें करना क्या है, 2,000 लेस कर देना है, तो हमारे पास में आ जाएगा 19,600 इज द वैल्यू ऑफ परचेजेस। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पर रख देते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल हमें कितना गिवन है क्वेश्चन में, 7,500 प्लस परचेजेस हमने कितना कैलकुलेट किया, ₹19,600 माइनस क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन में आपको कितना गिवन है, 6,400 माइनस 6,400 बस इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो वी हैव 100 and 110 and 717 and 1 27,100 minus 6,400 equals to rupees 11 minus 4 gives you 7, right? Iske baad mein 6 minus 6 0 and 2 20,700 is the amount of sports material to be debited to income and expenditure account ₹20,700। ये 20,700 कहाँ जाएगा, ये 20,700 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट में आएगा। और अगर हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स का ये अमाउंट लायबिलिटी साइड पे शो किया जाएगा 2,600 का, राइट? कोई क्वेश्चन, कोई डाउट, कोई क्वेरी अगर माइंड में है तो पूछिए। अब हम अपना सेकंड टॉपिक, आज का सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ये फंड बेस्ड अकाउंटिंग होता क्या है, जब हम किसी एक पर्टिकुलर पर्पस से रिलेटेड फंड क्रिएट कर देते हैं, तो उस पर्टिकुलर पर्पस से रिलेटेड जब कभी भी हमें कोई डोनेशन रिसीव होगा वो उसी फंड में ऐड किया जाएगा। अदर कोई इनकम होगी उस फंड से रिलेटेड वो उसी फंड में ऐड होगी। जितने भी एक्सपेंसेस होंगे उसी पर्टिकुलर पर्पस के वो सब उसी फंड में से लेस किए जाएंगे। व्हेन अ सेपरेट फंड is created
फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस देन ऑल receipts and income are added to that particular fund and all expenses related to that specific purpose are deducted from that particular fund only. ये जो स्पेसिफिक फंड है स्पेसिफिक फंड का मतलब होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही उसको यूज किया जाएगा. तो ये जो स्पेसिफिक फंड है इसे हम कहां पे शो करते हैं? दिस इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. This specific fund is shown on the liability side of the balance sheet, right? जो fund है दो तरह के होते हैं. एक होता है general fund जिसका जिसमें जो भी पैसा है हम किसी भी use में ले सकते हैं. दूसरा होता है specific fund. जिसमें जो मनी अवेलेबल है उसे पर्टिकुलर स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज किया जा सकता है. इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर एनी अदर पर्पस. इट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पस व्हिच हैव बीन स्पेसिफाइड विद दैट फंड. फॉर एग्जांपल लाइब्रेरी फंड. तो लाइब्रेरी फंड में से सिर्फ आप लाइब्रेरी की बुक्स को परचेज करने के लिए ही उसका मनी एक्सपेंड कर सकते हैं. सपोज पवेलियन फंड, तो ये अमाउंट आप पवेलियन के कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज कर सकते हैं. बिल्डिंग फंड, ये अमाउंट आप बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए ही यूज कर सकते हैं. स्पोर्ट्स मटेरियल फंड, तो ये फंड आप स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करने के लिए ही कर सकते हैं. अदर किसी यूज में आप नहीं ले सकते. बट जनरल फंड, जनरल फंड से आप चाहे तो बुक्स परचेज करें, आप बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करवाएं, आप स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज करें, आप प्राइजेस का डिस्ट्रीब्यूशन करें, कुछ भी यूज लें. तो जनरल फंड इज ओपन फॉर एवरी पर्पज. बट स्पेसिफिक फंड इज अ रेस्ट्रिक्टेड वन. इट कैन बी यूज ओनली फॉर पर्टिकुलर पर्पज ओनली. जनरल फंड इज ऑल्सो नोन एज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंपॉर्टेंट बात है. क्या? जनरल फंड इज ऑल्सो नोन एज कैपिटल फंड. जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल होता है ना, कैपिटल इज द मनी इन्वेस्टेड बाय द ओनर इन हिज ओन बिजनेस. इसी तरह से नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कैपिटल फंड होता है. अगर कोई प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इट मे बी द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म और इट मे बी द पार्टनरशिप फर्म या कोई भी, तो उसमें जो प्रॉफिट अर्न होता है वो प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट कैपिटल में ऐड कर दिया जाता है. इसी तरह से जब कभी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में कोई सरप्लस अराइज होता है तो वो सरप्लस क्या होता है? वो कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है. ये होता है कैपिटल फंड. कैपिटल फंड को हम जनरल फंड कहते हैं और स्पेसिफिक फंड. जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें जब कभी भी कोई डोनेशन रिसीव होते हैं ये डोनेशंस दो तरह के हो सकते हैं.
पहले जनरल डोनेशंस, यानी कि एक मिस्टर एक्स है, उन्होंने हमारी स्कूल को कुछ डोनेशन दिया से 20,000 रुपीज का, 25,000 रुपीज का, और उन्होंने कुछ स्पेसिफाई नहीं किया, उन्होंने कहा इट इज अ जनरल डोनेशन, आप चाहे जिस यूज मिले, सो इट इज अवेलेबल टू बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस बिकॉज इट इज जनरल इन नेचर, कुछ उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। बट उसी पर्सन ने कहा है स्पेसिफिक डोनेशन दे दिया, दूसरा डोनेशन कैसा होता है, स्पेसिफिक पर डोनेशन। इट मींस सपोज ही हैज गिवन डोनेशन फॉर परचेज ऑफ बुक्स और से डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, उन्होंने कहा स्पोर्ट टूर्नामेंट आप ऑर्गेनाइज करवाएंगे और इस टूर्नामेंट के कंडक्शन के लिए, इस टूर्नामेंट के जो भी एक्सपेंसेस होंगे उसके लिए मैं डोनेशन दे रहा हूं। नाउ दिस पर्टिकुलर फंड और दिस पर्टिकुलर डोनेशन, आई मस्ट यूज द वर्ड दिस पर्टिकुलर डोनेशन, दिस पर्टिकुलर अमाउंट कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजिंग टूर्नामेंट, बट द अमाउंट विच इज रिसीव्ड फॉर नॉन स्पेसिफिक पर्पज इज नोन एज जनरल डोनेशन, कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर एनी पर्पज। इनके अगर डिस्क्लोजर की हम बात करें, इंपॉर्टेंट है डिस्क्लोजर इनका समझना। जो जनरल डोनेशन आपको रिसीव होता है, जनरल डोनेशन इज एज पर द CBSE करिकुलम गाइडलाइंस। वैसे जनरल डोनेशन का आप बुक्स में देखेंगे कि वहां लिखा हुआ रहता है कि अगर स्मॉल अमाउंट का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जाएगा, उसको रेवेन्यू नेचर का ट्रीट करना है। अगर बिग अमाउंट का डोनेशन है, जनरल डोनेशन बिग अमाउंट का है, तो उसे कैपिटल नेचर का मानते हुए उसको कैपिटल फंड में डायरेक्टली ऐड करना है। लेकिन 2022 के एग्जामिनेशन के लिए CBSE करिकुलम में स्पेसिफिक गाइडलाइंस दे रखी हैं, दैट इज जनरल डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट एंड देयरफॉर इज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इररिस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ अमाउंट, चाहे वो 5 रुपए का डोनेशन है या 50 लाख का डोनेशन है, इफ इट इज जनरल डोनेशन CBSE की लेटेस्ट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, एज पर द CBSE करिकुलम द जनरल डोनेशन इज टू बी ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू रिसीट एंड इज टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइज ऑफ अमाउंट। लेकिन तो क्या होगा, क्रेडिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर। लेकिन अब बात होती है किसकी, स्पेसिफिक डोनेशन की। जो स्पेसिफिक डोनेशन रिसीव हुआ है, स्पेसिफिक पर्पस के लिए रिसीव हुआ है, ये अमाउंट शो किया जाएगा ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। With that particular specific name, for example, donation for tournament है तो tournament fund के नाम से, अगर donation for match है तो match fund के नाम से, अगर donation for pavilion है, donation for building है तो building fund के नाम से, जिस particular purpose के लिए वो donation मिला है, it will be shown on the liability side of the balance sheet। अगर general donation है तो credited to income and expenditure account, but अगर specific donation है तो liability side of the balance sheet। ये मैंने एक जनरल ओवरव्यू आपको बताया फंड बेस्ड अकाउंटिंग का, और अब इसके हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे, उससे आपको और क्लैरिटी आ जाएगा। दोबारा से एक बार बताता हूँ, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का मतलब ये है, जब हमें कभी कोई डोनेशन रिसीव होता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, तो उस पर्पस से रिलेटेड जब भी कोई खर्चे होंगे, जब भी कोई एक्सपेंस होंगे, वो उसी डोनेशन, वो उसी फंड में से लेस किया जाएगा। और जब कभी भी उस फंड से रिलेटेड, हमने उसका एक स्पेसिफिक फंड क्रिएट कर दिया, उस पर्टिकुलर फंड से रिलेटेड जब भी कोई और फर्दर डोनेशन रिसीव होगा, वो उसी फंड में ऐड कर दिया जाएगा। अगर कोई अदर इनकम होती है
तो वो उसी फंड में ऐड हो जाएंगे और एक्सपेंसेस उसी फंड में से लेस किए जाएंगे. ऑल एक्सपेंसेस रिलेटेड टू द सेम पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच दैट फंड हैव बीन क्रिएटेड आर टू बी डेबिटेड आर टू बी डिडक्टेड आर टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट फंड ओनली द एक्सपेंसेस रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पर्पस आर नॉट टू बी कंसिडर्ड एज जनरल एक्सपेंसेस. नॉर्मली तो जितने भी जनरल एक्सपेंसेस होते हैं उनको क्या किया जाता है, जनरल एक्सपेंसेस आर डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. लेकिन जब स्पेसिफिक फंड बना हुआ है तो फिर उस स्पेसिफिक पर्पस से रिलेटेड एक्सपेंसेस उसी फंड में से लेस किए जाएंगे. और ये स्पेसिफिक फंड कहाँ पे शो किया जाता है, द स्पेसिफिक फंड इज शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट. एग्जाम में क्वेश्चन डिस्क्लोजर कभी आता है, वेयर दिस पर्टिकुलर आइटम इज शोन. तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट में, कंज्यूमेबल स्टोर्स कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिटर्स ऑफ यू कैन से मटेरियल्स और क्रेडिटर्स ऑफ स्टोर्स ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ बैलेंस शीट, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. इस जनरल डोनेशंस एज पर सीबीएसई गाइडलाइंस, जनरल डोनेशंस वेदर बिग और स्मॉल एनी अमाउंट are to be credited to income and expenditure account. Specific donations for that specific fund will be created by that particular name and will be shown on the liability side of the balance sheet. तो ये जो चीजों का disclosure मैं आपको बताते जा रहा हूँ इनको भी आपको पूरे concentration से समझना है. कोई confusion, कोई doubt है तो एक बार लिखिए chat box में, comment में, और फिर हम इसके कुछ numerical questions कर लेते हैं. तो शुरू करते हैं हम कुछ दो तीन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस फंड बेस्ड अकाउंटिंग के हम करेंगे. यहाँ पे फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ही टॉपिक ही चल रहा है, इसके क्वेश्चंस हम यहाँ पे करेंगे. देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 3, प्राइस फंड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स. चलिए जल्दी से मुझे बताएंगे, एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट जब बनाने के लिए बात कहा जाए तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं. देर आर 3 स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड अंडर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए आपको कहा जाता है तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स आप बनाएंगे. सबसे पहला रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट. रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करेगा, जबकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एक्रुअल बेसिस को फॉलो करेंगे. ठीक है, यह हमने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा था. आई होप यू ऑल मस्ट बी रिमेंबरिंग दैट थिंग. तो व्हाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2020, ये इनका अकाउंटिंग पीरियड बताया है. इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस, वी डू हैव केस नंबर 1, केस नंबर 2 और आगे केस नंबर 3 भी हमें गिवन है. ये 2019-20 के सैंपल पेपर में, सीबीएसई के सैंपल पेपर सीबीएसई डिक्लेयर करता है हर साल, आपको ध्यान है सीबीएसई तो दो सैंपल पेपर हर साल आते हैं, तो उसमें दिया हुआ था 1920 के पेपर में. अब यहाँ पे देखिए केस वन की अगर मैं बात करूँ, केस वन में आपको प्राइस अवॉर्डेड ₹12,000 दे रखा और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इस प्राइस से रिलेटेड आपके पास कोई पहले से फंड था या नहीं था, कोई आपको डोनेशन रिसीव हुआ फंड के लिए या नहीं हुआ. सिंपली दिया प्राइस अवॉर्डेड ₹12,000. तो ये क्या हो गया, इट इज जनरल नेचर ऑफ एक्सपेंस. प्राइस अवॉर्डेड ₹12,000, दिस 12,000 इज ए जनरल एक्सपेंस. इसके लिए हमारे पास पहले से कोई फंड, स्पेसिफिक फंड अवेलेबल नहीं है, और जब ये जनरल एक्सपेंस है तो क्या किया जाएगा, इट शैल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. इट शैल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि इससे रिलेटेड अभी मेरे पास में कोई फंड नहीं है, और जब किसी भी एक्सपेंस से रिलेटेड कोई फंड नहीं होता है तो उस एक्सपेंस को हम जनरल एक्सपेंस मानते हैं, एंड ऑल जनरल एक्सपेंस आर डेबिटेड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो दिस प्राइस अवॉर्डेड ₹12,000 विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट हमें देखा, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और फाइनल अकाउंट्स ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. हमें टूर्नामेंट फंड दे रखा है ₹80,000 का, और टूर्नामेंट के एक्सपेंसेस दे रखे हैं ₹14,000 के. अब देखिए, जब आपके पास एक स्पेसिफिक फंड है ऑलरेडी, टूर्नामेंट फंड आपके पास में है ₹80,000 का, तो अब ये जो टूर्नामेंट एक्सपेंसेस हैं, ये ₹14,000 के एक्सपेंसेस आप इसी टूर्नामेंट फंड में से लेस करेंगे. अब ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस जो है आपके ₹14,000 के, ये टूर्नामेंट एक्सपेंसेस आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाएंगे, बिकॉज अभी जनरल एक्सपेंसेस नहीं रह गए, अभी ये स्पेसिफिक एक्सपेंस हो गए हैं.
जो कि स्पेसिफिक फंड में से लेस किए जाएंगे। और क्वेश्चन आता है, ये टूर्नामेंट फंड आप कहाँ पे शो करेंगे? द स्पेसिफिक फंड इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, याद है ना, लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे आएगा। और उसमें से 80,000 में से ये 14,000 लेस होने के बाद में जो हमारे पास में अमाउंट बचता है 66,000, वो 66,000 हम शो करेंगे ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी कुछ जाएगा इस केस नंबर टू में? आंसर इज नो। क्या बैलेंस शीट में कुछ जाएगा इस केस नंबर वन में? आंसर इज नो। केस नंबर वन में पूरा 12,000 इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा ऑन द डेबिट साइड, क्योंकि एक जनरल एक्सपेंस है, राइट। और केस नंबर टू में टूर्नामेंट फंड 80,000 माइनस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14,000 लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट पे जाएगा 66,000 लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, और इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं आएगा क्योंकि ये स्पेसिफिक फंड है। केस नंबर थ्री को देखते हैं। केस नंबर थ्री क्या हमारे सामने आता है? इनका डिस्क्लोजर भी अभी मैं आपको शो करता हूँ, यहाँ पे सॉल्यूशन किया हुआ है इनका सबका, मैं डिस्क्लोजर आपको बताता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे प्रेजेंट, सॉल्यूशन कैसे प्रेजेंट करना है वो भी चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए केस नंबर, चलिए केस नंबर थ्री को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले केस नंबर वन और केस नंबर टू का सॉल्यूशन देख लेते हैं। केस नंबर वन, जहां पे हमें प्राइज अवॉर्डेड दे रखा था 12,000 रुपीज का, तो देखिए हमने बनाया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020। एक्सपेंडिचर इनकम, एक्सपेंडिचर साइड पे हमने लिखा टू प्राइज अवॉर्डेड रुपीज 12,000, और यहाँ इनकम साइड पे तो ऑब्वियसली कुछ नहीं आएगा, और केस नंबर वन खत्म हो गया। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज नॉट द कंप्लीट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, बट दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो एग्जामिनेशन में अगर सेम क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप सॉल्यूशन किस तरह से प्रेजेंट करेंगे? दिस इज द वे हाउ यू विल प्रेजेंट योर सॉल्यूशन इन द एग्जामिनेशन, दिस इज द वे। आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक एक्सट्रैक्ट बना के देंगे और उसमें फिर आप ये आइटम लिख के प्रेजेंट करेंगे। आई होप क्लियरली आपको समझ में आया। अब एक बार केस नंबर टू को देखते हैं। केस नंबर टू को देखिए, केस नंबर टू में आपको ध्यान है ना, मैंने आपको क्या कहा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, सब कुछ बैलेंस शीट में जाएगा। तो इस बार हमने केस नंबर टू के लिए जो बैलेंस शीट बनाई है, एक्सट्रैक्ट जो बनाया है, वो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाया है। दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। क्वेश्चन में जैसी जो डेट दे रखी थी, क्वेश्चन में 2019 की डेट दी थी। क्वेश्चन में एक्चुअली डेट गिवन ही नहीं है केस नंबर टू में, तो हमने ये अज्यूम कर लिया कि 2019 होगा, 2020 आ जाता है जो भी, या फिर आप खाली भी छोड़ सकते हैं अगर डेट गिवन नहीं है तो, एज ऑन लिख के और डैश डैश ऐसा छोड़ दें। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, लाइबिलिटी साइड पे आप लिखेंगे टूर्नामेंट फंड रुपीज 80,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसिस रुपीज 14,000 रुपीज 66,000 इन द आउटर कॉलम, एंड दिस इज इट। This is a complete solution for case number two. Extract of balance sheet बनाई जाएगी। क्योंकि question यही था, How will you show the following items in the financial statements of a non-profit organization? तो case number one में सिर्फ prize awarded दे रखा था, that was in general expense shown on the debit side of income and expenditure account. Case number two में हमारे पास tournament fund available था, तो हमने tournament fund को यहाँ पे लिखा और फिर उसमें से tournament expenses को less करके out column में balance sheet के liability side पे चला गया 66,000। यहां तक अगर माइंड में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट लग रहा है तो एक बार आप कमेंट में लिखिए, और अदरवाइज फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अगर क्लियर है तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं, बहुत सिंपल इजी सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, लेकिन सोचना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए मेरे पास में यहाँ पे टूर्नामेंट फंड है 80,000 रुपीज का, टूर्नामेंट एक्सपेंसिस है 14,000 रुपीज के, और बचा हुआ टूर्नामेंट फंड मैंने बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड पे शो कर दिया 66,000। क्लियर? अब क्वेश्चन सुनिए, सपोज मेरे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, टूर्नामेंट फंड तो 80,000 ही है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस सपोज मेरे हो जाते 94,000, सपोज मेरे टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 94,000 के हो जाते, तो अब ये जो एक्सेस ऑफ 14,000 है,
एक्सेस ऑफ 14,000, एक्सेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 14,000 ओवर द फंड, इसको आप क्या करते हैं? आई रिपीट, जब आपके पास में टूर्नामेंट फंड 80,000 था और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कम थे, तो आपने बैलेंस जो अमाउंट बच रहा था उसे बैलेंस शीट में शो कर दिया लायबिलिटी साइड पर। कभी अगर आपके एक्सपेंसेस फंड को एक्सीड कर जाएं, फंड तो 80,000 और एक्सपेंसेस 94,000 के हो गए, सो एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द फंड, इन्हें क्या किया जाएगा? लिख लीजिए, एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ओवर द फंड विल बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिंपल सा लॉजिक है, ज्यादा इसमें आपको कोई बड़ी चीज नहीं जो याद रखने वाला हो, कोई डिफिकल्ट चीज नहीं जो रटना पड़े आपको, सिंपल सा लॉजिक है। क्या जैसे ही ये एक्सपेंसेस फंड को एक्सीड किए, यानी 80,000 से एक्सीड करते ही वो फंड तो खत्म हो गया, और जब फंड खत्म हो गया अब ये एक्सपेंस कौन सा एक्सपेंस हो? अब ये जनरल एक्सपेंस है, एंड जनरल एक्सपेंसेस तो हमेशा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही डेबिट होते हैं। जब तक फंड था तब तक ये एक्सपेंस जनरल एक्सपेंस नहीं थे, ये स्पेसिफिक एक्सपेंस थे, तो स्पेसिफिक फंड में से लेस किए जा रहे थे। जैसे ही फंड खत्म हो गया, फंड के खत्म होते ही अब जो एक्सेस एक्सपेंसेस हैं, दीज एक्सेस एक्सपेंसेस आर द जनरल एक्सपेंसेस, एंड जनरल एक्सपेंसेस आर ऑलवेज शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर ये 14,000 की बात आती कि एक्स्ट्रा टूर्नामेंट एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 14,000, इनको क्या किया जाएगा? इन्हें हम डेबिट करेंगे, डेबिटेड टू द इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आई होप आपको क्लियरली समझ में आया होगा। अब केस नंबर 3 को हम लेते हैं। केस नंबर 3 में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ज्यादा है, ध्यान से देखिए क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है हमें। प्राइज अवॉर्डेड रुपीज 12,000, प्राइज फंड एज एट 31st March 2019 रुपीज 25,000, 31st March 2019 की बात कर रहे हैं, 25,000। डोनेशन received for prizes, हमें donation receive हुआ है उसी purpose से, donation for prizes, जो fund आपके पास है, prize fund आपके पास already है 25,000 का, और उसी specific purpose से आपको donation, further donation receive हुआ है, कितना? Rupees 10,000, तो इस 10,000 को क्या करेंगे? इसी specific fund में add कर दिया जाएगा। 25,000 का fund पहले था, 10,000 का donation और receive हुआ, आप add कर देंगे इसे। अब आपके पास total fund कितना है? 35,000 का टोटल फंड हो गया। अभी तक प्राइज अवार्ड आपने कितने किए? 12,000। क्या किया जाएगा? दीज आर द एक्सपेंसेस, स्पेसिफिक एक्सपेंसेस, तो इनको आप लेस करेंगे किस में से? इसी प्राइज फंड में से। इसके बाद में प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट दे रखा है, आपने आपका जो प्राइज फंड था उसमें से कुछ अमाउंट आपने इन्वेस्ट कर दिया, बैंक डिपॉजिट में, शेयर मार्केट में आपने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया। ये प्राइज फंड इन्वेस्टमेंट आपका क्या है? एसेट होता है। प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट होता है, इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड पे शो करेंगे। आपने इंटरेस्ट भी रिसीव किया है, जब आपने इन्वेस्ट किया है प्राइस फंड को, का इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट पे आपको कुछ रिटर्न भी मिलेगी, तो आपको इंटरेस्ट भी रिसीव हुआ है। कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है? ऑन 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 2,500 रुपीज का आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। दिस इज एन इनकम, दिस इज एन इनकम of this specific fund, तो मैंने आपको बताया था when a specific fund is created for a particular purpose, all receipts, this is the receipt donation, and income, this is an income interest received. All receipts and income are added to this fund. तो ये इस particular fund में, prize fund में add हो जाएंगे। And all expenses, this is an expense, prize awarded, will be deducted from that specific fund. And the specific fund will be shown on the liability side of the balance sheet. तो यहाँ पे आप दोबारा से मैं बता दूँ, आपके पास में 25,000 रुपीज का fund था,
10,000 रुपीज के आपको और डोनेशन रिसीव हुए, वो उसमें आपने ऐड कर दिए, आपके पास 35,000 हो गया। फिर आपको 2,500 रुपीज का इंटरेस्ट और रिसीव हुआ, वो आपने उसमें ऐड कर दिया, अब आपके पास 37,500 हो गया। इसमें से आपने 12,000 रुपीज का एक्सपेंस किया, तो 12,000 रुपीज आप इसमें से लेस कर देंगे, फाइनली आपके पास में बचा 25,500 रुपीज का बैलेंस। दिस बैलेंस विल बी शोन ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। और ये जो एक आपका प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है 25,000 रुपीज का, 25,000 रुपीज का प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट, तो ये एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट पे शो हो जाएगा। जो चीज मैंने आपको बताई इसी को हम एक बार सॉल्यूशन में देख लेते हैं, फाइनली क्लियर हो जाएगा। यहां इसके सॉल्यूशन है केस नंबर 3 का। देखिए सबसे पहला बैलेंस शीट एज एट 31st March 2020, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले एसेट साइड पे 10, और ये क्या है, दिस इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, दिस इज नॉट अ कंप्लीट बैलेंस शीट, इट इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। सबसे पहले एसेट साइड पर 10% प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट 25,000 रुपीज का मैंने कहा ना, इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं, एसेट होते हैं, तो वो 25,000 रुपीज का एसेट साइड पर आप इन्वेस्टमेंट शो करेंगे। इसके बाद में आपके पास में प्राइस फंड का लाइबिलिटी साइड पे आपने लिखा प्राइस फंड, अंडरलाइन कर दीजिए उसे। ओपनिंग बैलेंस आपके पास में 25,000, एड डोनेशंस 10,000 के डोनेशन हमें रिसीव हुए थे वो हमने ऐड कर दिए, एड इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। एक यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों कई बार, दिस इज एन इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट। कई बार बच्चे क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है उसे ले जाके प्राइस फंड में ऐड कर देते हैं। वो क्या सोचते हैं, भाई प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट है, उसी प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट मिला है तो हम उस इन्वेस्टमेंट में ऐड कर दें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सपोज आपने 10,000 रुपीज के शेयर्स परचेज कर रखे किसी कंपनी के, और उस कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया, आपने किसी कंपनी के डिबेंचर्स परचेज कर रखे, उस कंपनी ने आपको इंटरेस्ट दिया, तो क्या वो इंटरेस्ट कंपनी उसी डिबेंचर के अमाउंट में ऐड कर देगी क्या, या वो डिविडेंड क्या उस शेयर्स के अमाउंट में ऐड हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपका प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्टमेंट का तो सेम ही रहेगा। अगर आपने पहले 25,000 रुपीज के शेयर्स परचेज करके रखे थे, 25,000 रुपीज के आपने बॉन्ड्स परचेज करके रखे थे, तो वो प्रिंसिपल अमाउंट तो सेम ही रहेगा। इंटरेस्ट तो जो आपको रिसीव होगा दैट विल बी योर इनकम, एंड इनकम रिलेटेड टू दिस फंड विल बी एडेड टू दैट फंड। ठीक है, तो ध्यान रखने की बात है कि आपको जो इंटरेस्ट ऑन प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव हुआ है वो भी प्राइस फंड के ओपनिंग बैलेंस में ही ऐड किया जाएगा, इसे भी प्राइस फंड के ओपनिंग बैलेंस में ऐड किया जाएगा। तो हमने डोनेशन जो रिसीव हुए थे, दीज वर द रिसीट्स, वो भी हमने ऐड कर दिए। जो हमें इनकम मिली थी, इंटरेस्ट मिला था, दिस वॉज एन इनकम, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। टोटल हो गया 37,500। इसमें से हमने लेस कर दिए एक्सपेंसेस, दैट इज ये एक्सपेंस है प्राइस अवॉर्डेड 12,000, और 25,500 हमारा आउटर कॉलम ऑफ बैलेंस शीट में आ गया, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट में आ गया। मैंने अभी आपको रफली कैलकुलेट करके बताया भी था। उम्मीद करता हूं आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आएंगे क्लियरली। आज हमने दो टॉपिक कवर कर लिए, एक तो हमने कंज्यूमेबल स्टोर्स से रिलेटेड एक टॉपिक कंप्लीट किया, एक हमने फंड बेस्ड अकाउंटिंग का टॉपिक क्लियर किया। 3 to 4 marks के क्वेश्चन एग्जाम में इनसे रिलेटेड हमें देखने के लिए मिलते हैं। कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। प्रीमियम क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आपको उसकी डिटेल्स मिलेंगी, हाउ यू कैन ज्वाइन माय प्रीमियम क्लासेस। इकोनॉमिक्स की, बिजनेस स्टडीज की, मैथमेटिक्स की, कंप्यूटर साइंस की प्रीमियम क्लासेस को, इंग्लिश की प्रीमियम क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, इवन अकाउंटेंसी की प्रीमियम क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए, और उस प्रीमियम क्लासेस की क्या बेनिफिट्स है मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। और इस लेक्चर को देख के, ये स्टार क्लासेस कंप्लीटली फ्री है, स्टार क्लासेस से आपको कुछ भी बेनिफिट अगर मिल रहा है, आपकी स्टडीज में कुछ भी एड ऑन हो रहा है, डू शेयर दीज वीडियोज, डू शेयर दीज क्लासेस टू योर फ्रेंड्स, टू योर क्लासमेट्स, सो दैट दे कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड। सो दैट्स ऑल फॉर टूडे, हैव अ नाइस डे, कीप प्रैक्टिसिंग फर्दर मोर क्वेश्चंस, keep studying, stay motivated, stay blessed. See you all by tomorrow 3 p.m. Thank you.